Goal, nation's leading institute. ये आपका ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2023 के मीन टेस्ट 2 का फिजिकल केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके क्वेश्चन पेपर का। इस क्वेश्चन पेपर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर ये जो 51 से स्टार्ट है, 51 में क्वेश्चन ये कह रहे हैं, 51 कह रहा है 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 103 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेयर कलेक्टेड एट टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सी। अगर 27 डिग्री सी को चेंज करेंगे तो ये वाला इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा कितना 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये वॉल्यूम जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही हम लोग इसको रोटेट करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा। इफ द प्रेशर चेंजेस टू, अब यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है 721 mm, और जिस समय यहाँ था उस समय प्रेशर था 763 mm, ये यहाँ प्रेशर था। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम इफ द प्रेशर इज चेंज टू 721 mm सेम टेम्परेचर। अच्छा सेम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो कुछ पैरामीटर हम लोग क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेते हैं। अब यहाँ सेम टेम्परेचर मतलब टी कांस्टेंट है, यहाँ आर कांस्टेंट है, वही सब कुछ है, वही मतलब उसका मास उसका मोल भी सेम है, यानी मेरा फॉर्मूला आ गया P1V1 इक्वल टू P2V2, है ना, P1V1 इक्वल टू P2V2। तो इसका मतलब प्रेशर मेरा कितना है 763 और वॉल्यूम कितना है 103। अब प्रेशर कितना हो रहा है 721, अब वॉल्यूम भी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब यहां से जो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो 763 इंटू 103 बाई 721। अब अगर इसको अगर 3 से इसको डिवाइड करिए तो इसका मतलब ये वाला यहाँ पे इसको अगर कट करिए तो ये पूरा का पूरा 7 से 7 वन जा 7 और 7 3 जा 21 और ये 7 वन जा 7 और 79 जा 63 और इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको करिए तो ये लगभग यहाँ पे आ जाता है 109 ml आ जाएगा, ये वाला 109 ml आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 109 और ये वाला 103 कैंसिल हो गया तो ये 109 आ गया। अब देखिए फिर से हम चलते हैं, वॉल्यूम मेरा दिया हुआ है 103 ml, टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सी, अगर इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 से ऐड करेंगे तो ये वाला ये आ गया मेरा। प्रेशर दिया हुआ है 763, वॉल्यूम क्या होगा जब प्रेशर वही होगा, सेम टेम्परेचर है, कट किए P1V1 P2V2। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम कटेंगे थोड़ा हमको ध्यान देना होगा, 763 इंटू 103, P1 दिया हुआ है मेरा ये, वॉल्यूम दिया हुआ 103, अब यहाँ प्रेशर 721, वॉल्यूम क्या होगा ये वाला, तो ये 7 वन जा 7 अब ये 0 और 7 3 जा 21, 7 वन जा 7 और 79 जा 63, तो ये वाला कैंसिल हो गया 109 ml आ गया, ठीक है। अब ऐसा ही फिर दूसरा देखते हैं, ऐसा ही फिर यहाँ पे कर रहा है 52 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर 2 पे एक ग्राफ का प्रॉब्लम है, ये ग्राफ में क्या कर रहा है, ये प्रेशर वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ, यहाँ पे अलग अलग जोन का ये वाला ग्राफ में अलग अलग टेम्परेचर पे, ये T1 पे है, ये वाला T2 पे। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिगर शो द ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी है आइडियल गैस का T1 और T2, विच इज करेक्ट, इसमें कौन सा करेक्ट। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करने का मतलब हमने डेंसिटी को कांस्टेंट रखा है। अच्छा डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है प्राइम मिनिस्टर बटे राष्ट्रपति यानी PM/RT। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट मेरा डेंसिटी है डी को, ये तो आर कांस्टेंट ही है, अब यहाँ पे ये एम तो वही गैस के लिए, दो अलग अलग पैरामीटर है तो एम भी कॉन्स्टेंट है यानी इसका मतलब है ये टी इधर आ गया पी, मतलब टी डायरेक्टली यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी इज साइड पी इज साइड, मतलब ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब यहां से प्रेशर बढ़ रहा है
यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसका मतलब टी टू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा टी वन। यहाँ पे ऊपर वाला टी वन अगर है, ऊपर वाला टी वन है और नीचे वाला टी टू, तो यहां से टी वन ग्रेटर देन टी टू, यह ऊपर वाला टी वन है, ये टी टू है, तो टी वन ग्रेटर देन टी टू, ठीक है। ऐसा ही फिर हम लोग तीसरे नंबर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अगला इसमें जाते हैं। ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर अब आपका 53 है, क्वेश्चन नंबर 53। इस 53 में ये कर रहा है 50 ml ऑफ हाइड्रोजन, ये 50 ml ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन डिफ्यूज हो रहा है, ये डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज diffuses through the small hole from a vessel in 20 minutes। अच्छा ये जो diffusion है, ये वाला जो time है, वो time है 20 minutes, ये 20 minutes में हो रहा है। time taken for the 40 ml of oxygen to diffuse, ये 40 ml हमको oxygen, ml of oxygen diffuse होना है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें time taken t2 क्या होगा। कंडीशन ये रखा हुआ है डिफ्यूज आउट अंडर द सिमिलर कंडीशन, सारा कंडीशन इसमें सिमिलर है, तो आप यहाँ पे सिमिलर कंडीशन है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी रेट, रेट जो है, रेट का मतलब है कितना वॉल्यूम एस्केप्ड आउट हुआ पर यूनिट टाइम, और रेट का मतलब ये हुआ कितना नंबर ऑफ मोल एस्केप्ड आउट हुआ पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब है कितना डिस्टेंस कवर हुआ पर यूनिट टाइम, यानी देखे डिस्टेंस आता तो पर यूनिट टाइम ऐसे करते हैं, मोल आता तो ऐसे करते हैं, वॉल्यूम कितना आ रहा है वो ऐसे करते हैं। अब यहां से हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहां हम लोग जान रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या होता है, ये आर वन इजिकल टू आर टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये एम टू बाई एम वन, यानी वो मोलर मास का स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शन, ये स्क्वायर रूट है और ये वाला एम टू अपॉन क्या हो एम वन, वॉल्यूम के टर्म है तो वी वन बाई टी वन और ये डिवाइडेड वी टू बाई टी टू इजिकल टू रूट अंडर, और चूंकि वी वन हमने हाइड्रोजन को लिया है तो ये वाला एम ओ टू हाई ऑक्सीजन बटे एम हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये वी वन मेरा क्या है 50 बाई 20 और इनटू ये वाला 40 बाई वी टू और इजिकल टू रूट अंडर ऑक्सीजन का कितना 32 बाई 2 कैंसिल हो गया 16 और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वाला पार्ट आएगा मेरा कितना 4, ये से ये कैंसिल हो गया, ये वाला 2 हो गया, मतलब यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 बाई वी टू इजिकल टू 4, तो वी टू इजिकल टू आ गया ये वाला 100 बाई 4 मतलब कितना 25, यानी इसका मतलब है ये वाला वी वन है मेरा 50 ml जो डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज फ्रॉम द स्मॉल होल इन 20 मिनट्स में है, और ये वाला 40 ml है वो कितना टाइम हो रहा है उसमें या 32। अब ये वाला 50 टी वन और ये वाला टी टू अब बटे क्या हो जाएगा वी टू, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम मेरा टाइम पूछ रहा है, तो टी टू टाइम तो हमें निकालना है और बाई वी टू, तो ये वाला यहाँ पे ये वी टू तो मेरा दिया हुआ है, तो ये वाला यहाँ पे होगा टी टू अब बाई यहाँ पे क्या होगा वी टू, टी टू बाई वी टू, वी टू मेरा दिया हुआ है, वी टू मेरा दिया हुआ है 40 ml, तो यहाँ पे यहाँ से कैलकुलेशन को करेंगे, ये वाला 50 अब बाई 20 और इंटू टी टू अब बाई कितना है 40, ये से यह कैंसिल हो गया और इजिकल टू कितना हो गया 4, तो यहां से टी टू इजिकल टू हो गया 4 × 4 इंटू 20 अब आई कितना हो गया 5, ये वाला 4 यानी इसका मतलब 64 मिनट आ गया, और आपका चॉइस है चॉइस नंबर 4 64 मिनट आ गया, 64 मिनट आ गया, समझ रहे बात को, यानी इस वाले क्वेश्चन में क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आर वन बाई आर टू इजकल टू स्क्वायर रूट एम टू अपॉन एम वन होगा, तो इसका मतलब ये आर वन मतलब वॉल्यूम वी वन यानी वॉल्यूम कितना निकला है स्मॉल ऑर्फिस से वी वन बटे टी वन, और ये वाला डिवाइड है बाय वी टू बाई टी टू, तो वी वन दिया हुआ है 50 और टी वन है 20 और ये वाला इंटू ये वाला टी टू अपॉन वी टू आ जाएगा, तो टी टू तो निकालना है कितना टाइम लग रहा है और कितना 40 ml को स्केप्ट आउट होगा बाई 40,
तो ये मेरा सब कैंसिल हो गया। तो ये वाला टी टू इजिकल टू आया कितना 64 मिनट आया यहाँ पे। अच्छा प्रॉब्लम था 53 नंबर, इतना वॉल्यूम स्केप्ट आउट होगा। फिर अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इस वाला में यहां पे एक यहां पे कह रहा है इक्वल मास क्वेश्चन नंबर 54, जैसे कह रहा है वैसे इसको राइट डाउन करें। इक्वल मासेस ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन, ये मेरे पास इथेन है और दूसरा हाइड्रोजन H2, दोनों का मास इक्वल है, यानी दोनों का मास इक्वल है, यानी दैट इज एम है। एम इक्वल मासेस ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड, इसको एक एम्प्टी कंटेनर में डाल दिया है, ये वाला एम्प्टी कंटेनर में मिक्स कर दिया, ये सबको इसमें डाल दिया, ये वाला इसमें डाला हुआ, ये वाला एम्प्टी कंटेनर। एक 25 डिग्री से, यानी यहां का टेम्परेचर है 25 डिग्री से। क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, यानी फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, यानी ये टोटल प्रेशर के रेस्पेक्ट में पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है इक्वल मास का इथेन है, इक्वल मास का हाइड्रोजन है, इसको एक एम्प्टी कंटेनर में डाल दिया 25 डिग्री सी पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर कितना होगा। अब ऐसा अगर आपको याद होगा तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो मेरा यहां से निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल प्रेशर, और यहां इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय मोल ऑफ हाइड्रोजन और प्लस मोल ऑफ इथेन, इथेन मतलब C2H6। यहां से अगर इसको देखिए तो ये वाला पार्ट को, तो यहां से इसको अगर एक्सटेंड करें, ये इस साइड एक्सटेंड करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ये टोटल प्रेशर, यहां पे इसी वाला पार्ट को यहां पे लिखे तो ये वाला आएगा नंबर ऑफ मोल, तो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब गिवन मास बाई इसका मॉलिकुलर मास, मोलर मास टू बाई यहां पे गिवन मास बाई मोलर मास टू बाई गिवन मास और मोलर मास, ये वाला यहां पे C2H6 है, ये C2H6 है, तो इसका मास होगा कितना 24 प्लस 6, दोनों मिलकर कितना हो गया 30, तो यहां पे हो गया क्या 30। यहां से कॉमन है एम कैंसिल हो गया, तो यहां पे आया क्या 1/2 / 1/2 प्लस 1/30। यहां से अगर इसको सॉल्व अगर कीजिएगा तो 1/2 और ये डिवाइड, इसको ऊपर ले जाए तो ये वाला आ गया नीचे 30 और ऊपर यहाँ पे 15 और यहाँ पे 16 आ गया, तो 1/2 और इंटू 30/16 यानी ये वाला 15, यानी मेरा जो आ गया यहाँ पे 15/16 ये वाला आ गया टोटल 15/16। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इथेन है हाइड्रोजन है दोनों का मास सिमिलर है और इसको इवैक्यूएटेड एक कंटेनर में डाल दिया है 25 डिग्री सी पे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू टोटल प्रेशर कितना होगा। हम ऐसा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से इसको ऐसा लगाते हैं तो ये दोनों मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल मोल, यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ क्या इथेन। अब यहां से ये वाला फॉर्म में हम मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास प्लस बाय मोलर मास प्लस गिवन मास बाय मोलर मास इथेन का। आप अगर इसमें कॉमन ऊपर है एम नीचे है एम, ये कॉमन टर्म को कैंसिल किए तो मेरा ये वाला आया, सॉल्व अगर कीजिएगा तो 15 कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है जी, अब ऐसा ही फिर दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। एक है इसमें यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। टू वेसल है 1 लीटर ईच है, सेम टेम्परेचर पे रखा गया है और 1 ग्राम हाइड्रोजन एक में है और 1 ग्राम CH4 है, मतलब दोनों में कंटेनर है, कंटेनर ये वाला क्वेश्चन नंबर 55 है, यहां पे 2 कंटेनर है, ये कंटेनर है और ये दोनों कंटेनर में, ये दोनों कंटेनर है, इस दोनों कंटेनर में एक में हाइड्रोजन रखा गया है और एक में CH4 रखा गया है,
दोनों 1 ग्राम है, 1 ग्राम ये भी है, 1 ग्राम ये भी है, दोनों 1 ग्राम। अच्छा, दोनों का टेम्परेचर भी सेम रखा गया है, टेम्परेचर भी सेम है, 1 ग्राम है। अब इसमें अलग अलग च्वाइस हो रहा है, आरएमएस वेलोसिटी विल बी सेम। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ये आरएमएस वेलोसिटी विल बी सेम, तो इसका मतलब इसका जो मास है मोलर मास, आरएमएस वेलोसिटी 3, तो वो तो मोलर मास पर भी डिपेंड करेगा टेम्परेचर के साथ साथ, तो ये तो अलग अलग है, मोलर मास अलग अलग स्पेसिस है तो मास भी अलग अलग होगा, तो ये चेंज करेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पर मोल जब कर दिए, तो पर मोल करने का मतलब है दोनों का मोल हम सेम ले लिए विथ रेस्पेक्ट टू मोल, तो पर मोल में ये काइनेटिक एनर्जी उसका टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर मोल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब है पर मोल विल बी सेम, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, तो ये वाला च्वाइस यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस हैविंग मोलर मास, यानी इसका मोलर मास दिया हुआ है, यहां से ये मोलर मास दिया हुआ है कैपिटल एम, ये मोलर मास, एंड इट्स वेलोसिटी इसका जो दिया हुआ है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये वाला आरएमएस वेलोसिटी है, ये यू आरएमएस वेलोसिटी। द रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, देखिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही कर दिया कि हमको जो इसमें बात कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी वो भी पर मोल में बात कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाला जो हाफ होगा वो एम वी स्क्वायर, वी का मतलब है ये आर एम एस वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला कैपिटल एम है, ये वाला एम कैपिटल एम है, तो इसका मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी को यहाँ ई से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी हुआ ई और वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी, तो इसका मतलब 2E बाई कैपिटल एम का रूट अंडर इजिकल टू यू आरएमएस, ये वाला है, यानी ऐसा च्वाइस नंबर हो जाएगा कि 3। फिर एक कंसेप्चुअल 57, तो कंसेप्चुअल है, 57 का मतलब है कि अगर जिसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब उसका एस्केप करने का टेंडेंसी क्या होगा, कम होगा, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा एस्केप वो करेगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, तो इसमें अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, तो ए एवापोरेट्स ज्यादा करेगा सी से, क्योंकि ए एवापोरेट, यहां से क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कौन सा करेक्ट है, तो आप अगर इसमें देखिए क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो टेंडेंसी दिया हुआ है ऑर्डर क्रम, वो उसमें ए सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ए उड़ रहा है, एवापोरेट्स हो रहा है, तो ए एवापोरेट्स हो रहा है रेडियली, ये किसके रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में भी, सी के रेस्पेक्ट में, और ऐसा च्वाइस कह रहा है क्या, ऐसा च्वाइस होगा 4। अब एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सी इज 7.2 × 10^2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन वाटर का दिया हुआ है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ वाटर बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप इसमें वर्क डन अगर आप निकालेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये फोर्स जो यूनिट दिया हुआ है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, और एरिया जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो लेंथ इंटू लेंथ, ये वाला एरिया से अगर मल्टीप्लाई करे ये वाला एरिया, तो ये लेंथ लेंथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला आएगा, यानी इसका मतलब यही वाला टर्म आएगा, ये वाला फोर्स इंटू लेंथ, ये वाला लेंथ, तो इसका मतलब है ये वाला जो सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया से, तो ये जो वैल्यू आएगा वही वर्क डन आएगा, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 58 में। 59 वाला क्वेश्चन को अगर देखे, 59 वाला क्वेश्चन ये एकदम ग्राफिकली है, जैसे 59 नंबर वाला क्वेश्चन ये लॉग पी, ये ग्राफ है लॉग पी इज इक्वल टू -A/T और ये वाला +1, ये वाई रखे, ये वाला एमएक्स रखे, ये वाला सी रखे, ये वाला निगेटिव, इसका मतलब है
ये वाला वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप होगा, और ये इंटरसेप्ट यहाँ पे सी है, ये वाला वन, और ये वाला नेगेटिव स्लोप, ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा विद द नेगेटिव स्लोप। और ऐसा अगर चॉइस देखिएगा तो लॉग पी, यहाँ पे लॉग पी और वर्सेस ये वाला वन बाई टी, ये वाला ग्राफ अगर मिलेंगे तो ऐसा मिलेगा, तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ऐसा अगर आप चॉइस देखें तो 59 का 2 है, ठीक है, 60 तो कंसेप्चुअली है। इसके बाद हम लोग 63 कर रहे हैं, 63 क्वेश्चन नंबर 63, ये क्वेश्चन नंबर 63 अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, ये पहले कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला 1 ग्राम है, 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट वॉज फाउंड टू रिक्वायर्ड, इसके लिए हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए, अगर दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O या H2CO3 हम लोग लिख लेते हैं, H2CO3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे रिक्वायर्ड क्वेश्चन कर रहा है 50 ml हमने लिया है HCl, यहां क्वेश्चन कर रहा है 1 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट वॉज फाउंड टू रिक्वायर्ड 50 ml ऑफ डाइल्यूट HCl फॉर कंप्लीट रिएक्शन स्ट्रेंथ ऑफ HCl, ये इसका हमको फाइंड आउट करना है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ क्या होगा इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी। तो अब यहां पे अगर क्वेश्चन देखे, अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू ग्राम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार से, इसका मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट मतलब गिवन मतलब वेट यानी 1 ग्राम, और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट अब बाई यहां पे n फैक्टर होगा, n फैक्टर, और यही होगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये EQ डालते हैं इक्विवेलेंट। अगर इसको और हम प्रोसीड करवाए तो इसका मतलब है यहां से इज इक्वल टू 1/1 upon ये इसका तो 100 और ये वाला n फैक्टर इसका क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका जो n फैक्टर निकालेंगे, ये स्पेसिस 1 है और कैल्शियम का वैलेंसी 2 है तो ये 2, तो इसका n फैक्टर 2 हो गया, तो इसका मतलब ये वाला मेरा आ गया 1/50 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नॉर्मलिटी, तो इसका मतलब इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl भी आया होगा, तो इसका मतलब HCl मेरा कितना ग्राम इक्विवेलेंट आया होगा 150, तो नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट और बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम अगर ml में है तो इसको लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट तो मेरा आया है 1/50 और ये वाला 50 ml भी है तो इसको 1000 बोल दिए, नहीं ये वाला, इसका मतलब 10/25, ये वाला 10/25 तो इसको अगर हम ऐसे बोले 0.4, ये वाला इसको हम हमारा क्या आ गया 0.4 n आ गया नॉर्मलिटी के टर्म में। तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हमने इस्तेमाल किया, क्योंकि रिएक्शन है तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट ये उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट ये, इससे हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ गया HCl का, HCl का ग्राम इक्विवेलेंट आया तो उससे मेरा नॉर्मलिटी आ गया ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम करके, ठीक है। अब आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन। आप अगर एक क्वेश्चन को देखिए तो एक रिलेशन है रियल गैस का ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन में कुछ गैस लिया है, ये फॉर ए रियल गैस पी वी टी इज गिवन बाई वैन डर वाल इक्वेशन पी प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, जैसा लिखा हुआ है वी माइनस एन बी इजकल टू एन आर टी फॉर द फॉलोइंग गैसेस, और गैसेस यहाँ पे दिया हुआ है सी एच फोर है, सीओ टू है, और यहाँ पे ओ टू है, यहाँ पे एच टू है, यहाँ पे कर रहा है हाइएस्ट वैल्यू ऑफ ए, यानी ए का हाइएस्ट वैल्यू पूछ रहा है,
जो लिखा पूछ रहा है हाईएस्ट वैल्यू ए का पूछ रहा है और बी का पूछ रहा है लिस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू। यहां पे ए का जो वैल्यू है ए, अब यहां पे ए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन, 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 यानी इसका मतलब ये इसको ऐसे बोल सकते हैं ये डिपेंड करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर पर, यानी जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा लिक्विफाई करेगा। और ये दोनों फैक्टर अगर आप देखिए तो जिसका जितना ज्यादा पोलरिटी होगा, देखिए हम क्या बोल रहे हैं पोलर होगा, जितना ज्यादा पोलर होगा वो नॉन पोलर के रेस्पेक्ट में, जो नॉन पोलर है नॉन पोलर के रेस्पेक्ट में इसका ऐसे बोल सकते हैं पोलर कंज्वाइंट ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कंज्वाइंट होगा ये वाला पोलर उसका वेट ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो लिक्विफाई जल्दी करेगा, उसका ए का वैल्यू ज्यादा होगा। और अगर हम नॉन पोलर में बात करें, इन केस ऑफ नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में आपको याद होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज ज्यादा होगा तो भंडावल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विफाई ज्यादा करेगा। तो इस वाला में CH4, O2 और H2 में ये सब नॉन पोलर ही है, लेकिन CO2 यहां पे पोलर बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पोलर है। इसका मतलब है ये मतलब एक तो बॉन्ड पोलर है, ये प्लेनर है, पैकिंग ज्यादा होगा तो इसी वजह से लिक्विफाई करने का इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, लिक्विफिकेशन ज्यादा है, मतलब ए का वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या होगा ज्यादा होगा। ये तो हो गया ए के टर्म में। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी, और बी का जो संबंध है, बी का जो मतलब है कि बी डायरेक्टली डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इसका मतलब ऐसे हम बोलेंगे कि अगर किसी का साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा। तो अब यहां से बोल रहा है सबसे छोटा वाला बी किसका होगा, जो सबसे कम साइज वाला होगा, तो ये तो पॉलीएटॉमिक है, साइज बड़ा होगा, पॉलीएटॉमिक साइज बड़ा होगा, और इस दोनों में इसका साइज बड़ा है और रेस्पेक्टिवली सबसे छोटा H2, तो आंसर हो जाएगा CO2 और H2। तो CO2 और H2 वाला चॉइस अगर आप देखिए तो आपका क्वेश्चन नंबर वन, मतलब चॉइस नंबर वन होगा, ठीक है। अब अगला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 68 में, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 68 में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इम्पॉसिबल कौन सा होगा। तो इसका मतलब है अगर n, n का वैल्यू, l का वैल्यू, m का वैल्यू, ये l इज इक्वल टू m, मतलब ऐसा, यानी m का मतलब है प्लस m और माइनस m, मतलब यहां पे l इज इक्वल टू प्लस और माइनस m, ये वाला वैरी करता है। और हमेशा ऐसा बोल सकते हैं यहां जो n होगा, यानी n हमेशा l से बड़ा होगा, जैसे n अगर 2 है तो ये वाला 0 और 1 होगा, मतलब एक कम होगा। अब इस सेट में देखिए n इजिकल टू 1 तो l 0, ये तो सही है, m भी 0 ये भी सही है, n इजिकल टू 9 l इजिकल टू 7 उससे कम है, और m भी मतलब 7 मैक्सिमम हो सकता है, ये भी सही है। और चॉइस नंबर 3 में n इजिकल टू l 9 और l इजिकल टू 1 है तो ये भी कम है, और m 0 है तो ये भी चल सकता है। लेकिन अगर चॉइस नंबर 4 में देखिए तो n इजिकल टू 3 l इजिकल टू 2 ये सही है, m इजिकल टू माइनस 3 तो हम बोले थे कि l और m प्लस माइनस ये दोनों बराबर होगा, मतलब वैल्यू वाइज, वैल्यू वाइज अगर 2 है तो ये वाला माइनस 2 और प्लस 2 हो सकता है इसका रेंज, तो इसका मतलब चॉइस नंबर 4 सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। 69 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, द नंबर ऑफ रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड अगर है तो रेडियल नोड इजिकल टू हम लोग एन माइनस एल माइनस वन ऐसा करते हैं, एन माइनस एल माइनस, तो इसका मतलब डी के लिए, हम फॉर डी के लिए बात करें तो डी के लिए एल इजिकल टू कितना होगा, एस पी डी 0 1 2, तो डी के लिए यानी एल जो है मतलब फॉर डी के लिए एल का वैल्यू क्या होगा 2 फॉर डी, तो इसका मतलब एन माइनस 2 माइनस 1 यानी एन माइनस 3, एन माइनस 3 वाला चॉइस मेरा 3 है और 4 है। अब एंगुलर नोड, एंगुलर नोड तो एल के बराबर होगा, यानी एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड तो इज इक्वल टू एल होगा, तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब एंगुलर नोड 2 होगा। तो ऐसे ये वाला टोटल नोड जो होगा वह n-1 टोटल नोड होगा, n-1 टोटल नोड होगा।
तो इसका मतलब है मेरा जो च्वाइस है इसमें वो च्वाइस नंबर फोर सही है इसमें, है ना। अब हम आते हैं आगे वाला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 86। प्रॉब्लम नंबर 86 कर रहा है, ए वेसल है 120 ml कैपेसिटी है, यानी इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 120 ml। कंटेन ए सर्टेन मास ऑफ गैस है 20 डिग्री सी, मतलब इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सी और इस समय प्रेशर है 750 mm प्रेशर है। द गैस वॉज ट्रांसफर टू ए वेसल, दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं, ये V1 है V2, लेकिन उस वेसल का जो वॉल्यूम दिया हुआ है 180 ml है। लेकिन ये पूछ रहा है टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, पूछ रहा है कि आप इस जगह पे हमारा प्रेशर बताइए, प्रेशर ऑफ द गैस क्या होगा। आप अगर इस जगह पे देखिए तो फिर मेरे पास फार्मूला है ये आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, N कॉन्स्टेंट, यानी फिर मेरे पास आ गया P1 V1 = P2 V2। तो P1 दिया हुआ है 750/760, मतलब इसको ATM में कन्वर्ट किए, वॉल्यूम मेरा 120 ml है ना, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, चलिए ये भी 1000 कर लिए, और ये प्रेशर मेरा दिया हुआ है, प्रेशर है P2, और इसको भी 760 ml में क्वेश्चन पूछ रहा है तो 760 से ये भी डिवाइड कर दिए, और ये वाला वॉल्यूम दिया हुआ है 180 ml, ये वाला 1000, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब यहां पे मेरे पास अब ये वाला ये कैंसिल, 6 से 6 2 12 6 3 18, तो इसका मतलब P2 = मेरा आया 750 × 2 by 3। तो इसका मतलब है ये वाला अगर कैलकुलेट किए तो ये 250 आया, 250 × 2, तो ये जो प्रेशर आया यानी P2 = 500, यहाँ पे ये वाला mm आया mm, और च्वाइस अगर देखिए तो 500 ml है, सीधा सा है, मतलब है जो मेरा कांस्टेंट है उसको कट कर दिए और P1 V1 = P2, बस इसी पर बैठा है और मेरा प्रेशर फाइंड आउट हो गया। तो ये वाला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम है ये तो वॉल्यूम का है, मतलब 86 वाला है। ऐसा ही हम लोग अगला प्रॉब्लम लेंगे 87 का रहा है, ए सील्ड ट्यूब है, यानी एक मतलब ऐसा बोल सकते हैं ऐसा सील्ड ट्यूब है जो ये प्रेशर यहाँ पे ये 3 ATM का प्रेशर को स्टैंड कर सकता है, वियर कर सकता है 3 ATM का, और 3 ATM का, तो ये भी अगर आप निकालेंगे तो ठीक वैसे ही फार्मूला से है ना। फिर आप दूसरा नंबर 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, 88 आप अगर देखिए तो इसमें पूछ रहा है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो रहा है, तो ये 1 लीटर स्टीम की बात कर रहा है, 1 लीटर स्टीम, तो 1 लीटर स्टीम इसका जो डेंसिटी है 1 लीटर यानी वाटर वेपर का जो डेंसिटी है वो 0.000 ये 3 0 और 6 ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी, और पूछ रहा है 1 लीटर स्टीम में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है वो, तो 1 लीटर स्टीम का हम पहले मास निकाल ले, तो मास = क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी बराबर वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, चूंकि 1 लीटर है और ये ml में, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, तो इसका मतलब है यहां पे मास अगर हम निकाले, मास ऑफ स्टीम, यहां स्टीम में जो मास है वो मेरा कितना है, तो ये वाला 1000 × 6 × 10⁻⁴, यानी 0.6। अच्छा, जो डेंसिटी लिक्विड कंडीशन में जो डेंसिटी है वो 1 g/ml, तो ये मास में, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं तब इसका वॉल्यूम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है
कि इसका मतलब वॉल्यूम ऑक्युपाइड द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हम ऐसा बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. ये जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो ये तो मास हुआ है, और इसका मतलब है वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी. डेंसिटी अगर करेंगे तो ये वाला डेंसिटी मास हो गया, और डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास मास कैंसिल हो गया तो वॉल्यूम आ गया. तो इसको अगर आप निकालिए तो मास आपका दिया हुआ है 0.6 और डेंसिटी उस कंडीशन में डेंसिटी 1 है, तो इसका मतलब इसका जो हो जाएगा वैल्यू जो हो जाएगा वह 0.6 हो जाएगा, है ना. 89 नंबर वाला वैसे ही कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, मतलब सीधा सीधा है. फिर आप देखिए वंडरवाल गैस में ये बोला ए, मतलब आप इससे पहले 90 नंबर वाला क्वेश्चन है, 90 वाला स्टेटमेंट वन, और स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट ए ग्रेटर इज द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. हम आपको बात किए थे ए डिपेंड करेगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे और लिक्विफिकेशन पे, तो जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही कंडीशन लिक्विफाई का होगा और उतना ही वैल्यू ए का ज्यादा होगा, तो ये तो सही है. और ये इनडायरेक्टली मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, तो हम आपको बताए थे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विफाइड होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो ये बी यानी स्टेटमेंट टू भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका मतलब वन नंबर च्वाइस इसका क्या है, सही है. ठीक है. दूसरा आपका कर रहा है यहां पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है सेकंड ये वाला 91 बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है 91. ये कह रहा 1 ग्राम कैल्सियम इसको वर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन से, तो कैल्सियम ऑक्साइड बन रहा है. 1 ग्राम कैल्सियम वाज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्साइड फॉर्म आर डिजॉल्व टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन. ये ऑक्साइड बन रहा है 1 लीटर सोल्यूशन में डिजॉल्व कर रहा है. द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, तो इसका मतलब है यहां पे कैल्सियम ऑक्साइड बन रहा है, तो जितना मोल कैल्सियम होगा उतना ही मोल, तो यहां पे जितना मोल ये होगा उतना ही मोल ये बनेगा, तो यहां पे ये वाला मेरा 1 ग्राम, तो इसका मतलब यहां से हम लोग मोल निकाल लेते हैं, तो मोल इक्वल टू 1, अब भाई कितना होगा 40, यानी 40 का मतलब है 0.25 होगा ना, 0.025 ये वाला होगा, 0.025 ये मोल आ गया. तो इसका मतलब यहां से अगर हम निकालें तो मोल ऑफ कैल्सियम ऑक्साइड भी क्या होगा, ये होगा 0.025 होगा. अच्छा जब मोल निकल गया तो मोलारिटी निकाल लेंगे, तो मोलारिटी कितना होगा, मोलारिटी का मतलब है मोल पर यूनिट वॉल्यूम. आप अगर इस क्वेश्चन में देखिए तो मोल आपका दिया हुआ है 0.025 और वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इसका मतलब आंसर हो गया 0.025 हो गया. फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इसका नॉर्मलिटी क्या होगा, तो आप नॉर्मलिटी मोलारिटी अगर पता है तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मा, मतलब मोलारिटी इंटू ए फैक्टर, ए फैक्टर नहीं होता अश्विनी फैक्टर नहीं, ये वाला एन फैक्टर है, तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर. यहां पे अगर देखें तो कैल्सियम वैलेंसी 2 है, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर 2 है, तो अब यहां से मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, तो 0.025 × 2, तो ये कितना होगा 15.0050 यानी 0.05, और ऐसा च्वाइस नंबर कितना हो जाएगा 1. ठीक है, ऐसा च्वाइस नंबर 1 हो जाएगा. सीधा सीधा क्वेश्चन है ये. 91 के बाद हम लोग आते हैं 92, क्वेश्चन नंबर 92 को क्वेश्चन देखिए, SO2 के साथ ऑक्सीजन को यहां पे पास करते हैं एक कैटालिस्ट में, और कैटालिस्ट से पास करते हैं तो SO3 बनता है, अगर इसको बैलेंस कीजिए तो हाफ होगा. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोला 10 मोल ऑफ SO2 एंड 15 मोल ऑफ O2 वेयर पास्ट ओवर कैटालिस्ट टू प्रोड्यूस, यानी जब इसको रिएक्शन होता है
तो प्रोड्यूस 8 मोल ऑफ SO3। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 10 ml मोल हमने इनिशियल लिया है, 15 मोल इनिशियल लिया है, तो इस रिएक्शन के अनुसार तो इसमें से कुछ x टूटेगा, ये वाला 15 माइनस एक्स बाई 2 टूटेगा, तो ये वाला x बनेगा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाला जो बन रहा है वो 8 मोल बन रहा है, यानी x इक्वल टू 8। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि SO2 और SO3 के मोल का रेशियो क्या है, नंबर ऑफ मोल का रेशियो क्या है। तो नंबर ऑफ मोल यहां से 10 माइनस 8 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 2, और यहां पे तो 8 है, यानी 2/8 यानी 1:4, यानी दैट इज 1:4, और ये वाला चॉइस 1/4 ये चॉइस नंबर 2 होगा। ठीक है, अब एक 93 assertion और reason का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SO2 is adsorbed to a large extent than H2 on activated charcoal. Adsorption आप NCERT में देखिएगा सरफेस केमिस्ट्री में, तो adsorption भी डायरेक्टली proportional to critical temperature liquefaction पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब SO2 का सबसे ज्यादा होता है, एक तो पोलर भी है तो इसी वजह से ज्यादा होता है, और H2 तो नॉन पोलर है तो इसके रेस्पेक्ट में उसका ज्यादा होगा। यह सही है, SO2 has higher critical temperature और स्वाभाविक है, जब critical temperature बढ़ेगा तो liquefaction बढ़ेगा, adsorption का tendency बढ़ेगा, तो ये भी सही है, यानी AR correct है और R उसका correct explanation भी है, तो choice number आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद तो 94 सीधा सीधा है। 95 अगर number question अगर देखे, 95 number question number 95 नंबर क्वेश्चन है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 9.11 इंटू 10^-31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एच का वैल्यू दिया हुआ है 6.6 इंटू 10^-34 जूल सेकंड दिया हुआ है। इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है डेल्टा एक्स, ये अनसर्टेनिटी डिस्टेंस 0.1 एंगस्टम दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ये क्या होगा, तो आप जानते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और ये वाला डिस्टेंस पोजीशन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से। ये वाला हमको ये डेल्टा एक्स इंटू ये वाला मास इंटू डेल्टा वी, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π हमको वी से मतलब है, तो इसका मतलब है भी के अनुसार से अगर इसको देखे तो इसका मतलब है डेल्टा भी इज इक्वल टू h/4π इंटू m इंटू डेल्टा एक्स। एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10^-34 4 इंटू ये वाला 3.14 और मास 9.11 इंटू 10^31 और इंटू डेल्टा एक्स दिया हुआ है 0.1 इंटू 10^-10। आप इस वैल्यू को डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये वाला आपका आ जाएगा चॉइस नंबर, यहाँ पे जो भी है आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।